हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 दिसंबर 2020 को, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। फॉर ज्वाइंटिंग स्मॉलर सीवर पाइप्स ऑफ डायमीटर लेस देन 0.6 मीटर द प्रेफरेबल ज्वाइंट्स इज। क्वेश्चन में पूछा है 0.6 मीटर यानी 600 mm से कम व्यास के छोटे सीवर पाइपों को जोड़ने के लिए किस ज्वाइंट को प्रेफर किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं स्पाइगट और सॉकेट ज्वाइंट या कोलर ज्वाइंट, बेंडेड ज्वाइंट या फिर मैकेनिकल ज्वाइंट। 0.6 मीटर से कम व्यास के छोटे सीवर पाइपों को जोड़ने के लिए प्रिपेयर किया जाता है स्पाइकेट और सॉकेट ज्वाइंट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल इज, यानी जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसके डिस्पोजल के लिए मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इवोपोरेशन, रैपिड इन्फिल्ट्रेशन, अप्लीकेशन इन इरिगेशन या डिल्यूएशन इन सरफेस वाटर। वेस्ट वाटर डिस्पोजल का मोस्ट कॉमन मेथड है सरफेस वाटर में तनुकरण। ऑप्शन फोर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द नेचुरल प्रोसेस अंडर विच द फॉलोइंग रिवर्स वेस्ट वाटर गेट्स क्लीन्ड इज नोन एज, यानी वो नेचुरल प्रोसेस जिसके अंतर्गत बहने वाली नदियों का पानी साफ हो जाता है वो किस रूप में जानी जाती हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ऑक्सीडेशन के रूप में, सेल्फ प्यूरिफिकेशन यानी स्वशोधन के रूप में, फोटोसिंथेसिस के रूप में या फिर सेडिमेंटेशन के रूप में। तो ये जानी जाती हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन के रूप में। ऑप्शन सेकेंड आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ए पोर्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन दैट इज नॉट इवोपोरेटेड कंट्रीब्यूट्स टू, यानी वर्षण का एक अंश जो वाष्पित नहीं होता है वो किसमें अपना योगदान देता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं रन ऑफ यानी अपवाह में, इवापोरेशन वाष्पन में, सेटलमेंट निस्दन में या फिर ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन में। ये योगदान देता है रन ऑफ में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ए स्पेशल टाइप ऑफ इरिगेशन स्कीम समवेयर इन बिटवीन इनिडेशन टाइप एंड परमानेंट टाइप ऑफ इरिगेशन इज। क्वेश्चन में पूछा है एक विशेष प्रकार की सिंचाई योजना जो कहीं ना कहीं जल प्लावन और स्थायी प्रकार की सिंचाई के बीच है वो क्या है। ऑप्शंस आपको दिए हैं वेल इरिगेशन यानी कूप सिंचाई, फ्लो इरिगेशन प्रवाह सिंचाई, फ्लो इरिगेशन जो है आपकी ग्रेविटी के कारण होती है, बांधर इरिगेशन या फिर टेरेस इरिगेशन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द मार्जिन प्रोवाइडेड बिटवीन द टॉप ऑफ द डैम
एंड हाई फ्लड लेवलेज, बांध के शीर्ष और उच्च बाढ़ स्तर के बीच प्रदान किया गया मार्जिन क्या कहलाता है? स्कोर कहते हैं, एप्रन कहते हैं, स्पिलवे कहते हैं या फिर फ्री बोर्ड कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्री बोर्ड, ऑप्शन फोर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ रिवर ट्रेनिंग इज, रिवर ट्रेनिंग का पर्पज क्या होता है? टू डिसिल्ट द चैनल, चैनल का विगात करने के लिए, टू स्टेबलाइज द चैनल, चैनल को स्थिर करने के लिए, टू इंक्रीज द फ्लो स्पीड, फ्लो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, या फिर फ्लो स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। रिवर ट्रेनिंग का मेन पर्पज होता है चैनल को स्थिर करने के लिए, ऑप्शन सेकेंड आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द रिक्लेमेशन प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द वेट एरियाज इज कॉल्ड, यानी गीले क्षेत्रों से पानी निकालने की जो पुनर्ग्रहण प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? ड्रेनेज कहते हैं, बैकवॉश कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं या फिर प्लगिंग कहते हैं? वेट एरिया से पानी निकालने की जो रिक्लेमेशन प्रोसेस होती है उसे कहते हैं ड्रेनेज, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सोम से, द लॉन्गिट्यूडनल शियरिंग स्ट्रेस बैलेंस द वेरिएशन ऑफ अलोंग द बीम, यानी लॉन्गिट्यूडनल शियरिंग स्ट्रेस बीम पर जो है किसकी वेरिएशन को बैलेंस करती है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, बेंडिंग स्ट्रेस को, बेंडिंग स्ट्रेन को, टेंजाइल स्ट्रेस को या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस को। आपका जो अनुदैर्ध्य अपरूपण प्रतिबल होता है धरन पर बंकन प्रतिबल की भिन्नता को संतुलित करता है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कॉलम्स होज स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 आर कॉल्ड, यानी जिन कॉलम का तनुता अनुपात 32 से कम होता है उन्हें क्या कहा जाता है? लॉन्ग कॉलम कहते हैं, मीडियम साइज कॉलम कहते हैं, स्लेंडर कॉलम कहते हैं या फिर शॉर्ट कॉलम कहते हैं? तो जिन कॉलम का तनुता अनुपात 32 से कम होता है उन्हें कहते हैं शॉर्ट कॉलम, ऑप्शन फोर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोड्स विच आर टेम्परेरली प्लेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर इज, जो भार अस्थायी रूप से संरचना पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लाइव लोड कहते हैं, डेड लोड कहते हैं, विंड लोड कहते हैं या फिर अर्थक्वेक लोड कहते हैं? तो इसे कहते हैं लाइव लोड, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कॉल्ड, यानी सुरक्षा गुणक द्वारा विभाजित पराभव प्रतिबल को क्या कहा जाता है? अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं, लिमिट स्ट्रेस कहते हैं, इलास्टिक स्ट्रेस कहते हैं या फिर परमिसिबल स्ट्रेस कहते हैं? तो इसे कहते हैं परमिसिबल स्ट्रेस, ऑप्शन फोर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द सेक्शन इज, अगर तटस्थ अक्ष की गहराई क्रांतिक अक्ष से कम हो तो सेक्शन कैसा होगा? बैलेंस सेक्शन होगा, डबल रेनफोर्स सेक्शन होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा या फिर ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा? तो ये होगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ऑप्शन थ्री आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फोर कॉलम्स द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार
measured along the periphery shall not exceed, यानी कॉलम के लिए परिधि के साथ मापी जाने वाली लॉन्गिट्यूडिनल बार का अंतर जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 mm से, 300 से या फिर 450 mm से। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा, 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से, इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी टू अवॉइड डिफरेंटियल सेटलमेंट ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी के विभेदी निस्दन के बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है, ड्रेनेज, परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी या फिर इनकंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट इन कंक्रीट पेवमेंट एज रिकमेंडेड बाई IRC इज ऑफ, IRC द्वारा अनुशंसित जो कंक्रीट पेवमेंट होती है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट जो है वो होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, टंग एंड ग्रूव टाइप होता है, बट टाइप होता है, वीकनेट प्लेन टाइप होता है या फिर हिंज टाइप होता है। तो ये होता है बट टाइप, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5 हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ अब आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।